हरे भरे घास के मैदानों और रंग बिरंगे बगीचों से घिरे एक अनोखे गांव में मिया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। मिया को फूलों से गहरा प्यार था और वह अपने बगीचे की देखभाल करती थी, देखभाल और स्नेह से पौधों की देखभाल करती थी। एक दिन मिया की मुलाकात श्रीमती जेनकिंस नाम की एक बुजुर्ग महिला से हुई, जो गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। श्रीमती जेनकिंस के पास भी एक बगीचा था, लेकिन वह उपेक्षित था और घासफूस से भरा हुआ था। भूले हुए और बेजान बगीचे को देखकर मिया का दिल पसीज गया और उसे इसे वापस जीवन में लाने और हरा भरा करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित, मिया ने श्रीमती जेनकिंस से संपर्क किया और उन्हें सहायता की पेशकश की। बुजुर्ग महिला को संदेह तो हुआ, लेकिन वह मिया के प्रस्ताव पर सहमत हो गई। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात न केवल उसके बगीचे को बल्कि जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी बदल देगी। मिया और श्रीमती जेनकिंस ने मिलकर निराई गुराई, छंटाई और नए बीज बोने में अनगिनत घंटे बिताए। उन्हें पोषण की कला सिखाई और बगीचे को फलता फूलता देखने से मिलने वाली खुशी भी सिखाई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, बेजान बगीचा जीवंत रंगों से खिल उठा। श्रीमती जेनकिंस इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित थी, उनकी आंखें नए उत्साह से चमक रही थी। उसने पहले कभी अपने बगीचे में ऐसी सुंदरता का अनुभव नहीं किया था। लेकिन यह सिर्फ बगीचा नहीं था जो फलाफूला। मिया और श्रीमती जेनकिंस ने कहानियां, हंसी और ज्ञान साझा करते हुए एक गहरा बंधन बनाया। मिया की युवा ऊर्जा और आशावाद ने श्रीमती जेनकिंस के अकेले अस्तित्व में जान फूंक दी और बुजुर्ग महिला ने दुनिया को नई आंखों से देखना शुरू कर दिया। एक गर्म गर्मी की शाम जब वे सुगंधित फूलों के बीच बैठे थे, श्रीमती जेनकिंस मिया की ओर मुड़ी और कहा, मेरी प्यारी मिया, तुमने मुझे दयालुता और दृढ़ता का असली मूल्य दिखाया है। यह बगीचा, जिसे एक बार मैंने भुला दिया गया था, अब इतना खूबसूरत हो गया है। यह सब तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है। तुमने मेरे बगीचे में जान डाल दी है मिया। मिया श्रीमती जेनकिंस को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराई, उसका दिल खुशी से भर गया। श्रीमती जेनकिंस, एक बगीचे की सुंदरता न केवल उसके फूलों में निहित है, बल्कि उस प्यार और देखभाल में भी है जो हम उसमें निवेश करते हैं। है? और एक बगीचे की तरह जीवन भी हमें उसी तरह पुरस्कृत करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। श्रीमती जेनकिंस ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुमने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है मिया, कि हमारे कार्यों में परिवर्तन लाने की शक्ति है, न केवल बगीचों में बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी। उस दिन के बाद से मिया और श्रीमती जेनकिंस ने अपने बगीचों की देखभाल करना जारी रखा और अपने नए ज्ञान को गांव के अन्य लोगों के साथ साझा किया। उनके बगीचे आशा के प्रतीक बन गए और सभी को याद दिलाया कि थोड़े से प्यार और दृढ़ता के साथ सबसे उपेक्षित स्थान में भी कुछ असाधारण में खिल सकता है। और इसलिए मिया और श्रीमती जेनकिंस की कहानी एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि दया, करुणा और दृढ़ता के बीज बोकर हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल सकते हैं। एक बगीचे की तरह जब हम अपने आसपास की दुनिया का पोषण और देखभाल करते हैं, तो हम सभी के आनंद और खुशी के लिए एक अधिक सुंदर और बेहतरीन जगह बनाते हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।